बदायूं से हम देंगे, जहां पर चलती बस में अचानक आग लग गई और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त की खबर आपको दे दें, चलती बस में आग लगी है और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। जो तस्वीरें आई है वो एबीपी गंगा आपके सामने रख रहा है। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, कोई जनहानि नहीं हुई है। ये बताया जा रहा है कि बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही बैठे हुए थे, अचानक बस में आग लग गई तो ऐसे में दोनों ने कूद कर जान बचा ली। सबसे पहले ये तस्वीरें, हादसे की तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है और आप देखिए धू धू कर जलती बस। रात का अंधेरा है और आपको जो रोशनी दिखाई देगी वो उन्हीं लपटों की है जो बस में, थाना वजीरगंज के रहीडिया पुलिस चौकी के पास में बस में आग लगी। बदायूं से हम देंगे, जहां पर चलती बस में अचानक आग लग गई और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त की खबर आपको दे दें, चलती बस में आग लगी है और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। जो तस्वीरें आई है वो एबीपी गंगा आपके सामने रख रहा है। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, कोई जनहानि नहीं हुई है। ये बताया जा रहा है कि बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही बैठे हुए थे, अचानक बस में आग लग गई तो ऐसे में दोनों ने कूद कर जान बचा ली। सबसे पहले ये तस्वीरें, हादसे की तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है और आप देखिए धू धू कर जलती बस। रात का अंधेरा है और आपको जो रोशनी दिखाई देगी वो उन्हीं लपटों की है जो बस में, थाना वजीरगंज के रहीडिया पुलिस चौकी के पास में बस में आग लगी। बदायूं से हम देंगे, जहां पर चलती बस में अचानक आग लग गई और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त की खबर आपको दे दें, चलती बस में आग लगी है और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। जो तस्वीरें आई है वो एबीपी गंगा आपके सामने रख रहा है। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, कोई जनहानि नहीं हुई है। ये बताया जा रहा है कि बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही बैठे हुए थे, अचानक बस में आग लग गई तो ऐसे में दोनों ने कूद कर जान बचा ली। सबसे पहले ये तस्वीरें, हादसे की तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है और आप देखिए धू धू कर जलती बस। रात का अंधेरा है और आपको जो रोशनी दिखाई देगी वो उन्हीं लपटों की है जो बस में, थाना वजीरगंज के रहीडिया पुलिस चौकी के पास में बस में आग लगी। बदायूं से हम देंगे, जहां पर चलती बस में अचानक आग लग गई और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त की खबर आपको दे दें, चलती बस में आग लगी है और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। जो तस्वीरें आई है वो एबीपी गंगा आपके सामने रख रहा है। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, कोई जनहानि नहीं हुई है। ये बताया जा रहा है कि बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही बैठे हुए थे, अचानक बस में आग लग गई तो ऐसे में दोनों ने कूद कर जान बचा ली। सबसे पहले ये तस्वीरें, हादसे की तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है और आप देखिए धू धू कर जलती बस। रात का अंधेरा है और आपको जो रोशनी दिखाई देगी वो उन्हीं लपटों की है जो बस में, थाना वजीरगंज के रहीडिया पुलिस चौकी के पास में बस में आग लगी।